तो मेरी नानी मम्मा के गले लग के रोते, वो पता क्या कहते हैं, फिर से घर में काम शुरू हो गया देखना। सो फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू बाय टू पैराकीट्स। ये देखो जी, हमारा विक्टोरिया डे मंडे कैसे सेलिब्रेट हो रहा है। सैटरडे को ये पूल शॉक किया था, बिल्कुल ब्लैक था, मतलब डार्क ग्रीन टाइप का। तो अभी दो दिन हो चुके हैं, बहुत सारी मिट्टी एल्गी सब पूल के बॉटम पे बैठ चुकी है, आपको दिख रहा होगा। और ऊपर से पानी काफी क्लियर लगने लग गया है, मतलब एज कम्पेयर टू सैटरडे काफी क्लियर लगने लग गया है। तो अब अगला काम ये है कि पहले तो ये नेट से जितने भी पत्ते वत्ते सब ऊपर दिख रहे हैं, अभी बहुत सारे निकाल भी दिए हम लोगों ने, ये सारा क्लीन करेंगे। तो ये जी, हमने पूल कंपनी से एक और बंदा बुलाया हुआ है। ये मेरा परमानेंट बंदा है। पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। तो ये पूल पहले क्लीन होगा, फिर हमने फिर क्या करना है, हमें अगला स्टेप क्या है भाई? जो नीचे बैठ गया ना ग्रीन, उसको फ्लश आउट करना है, उसके बाद फिर हम वैक्यूम चलाएंगे। और उसके बाद सैटरडे तक रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए? पक्का नेक्स्ट सैटरडे तक तो वैसे भी किसी भी हाल में करना ही है, हमारी स्विमिंग क्लास है सैटरडे को। Yes. और संडे को हमारे घर सत्संग भी है, तो आई रियली वांट कि सबको बड़ा क्लीन सा पूल लुक मिले यार। ये हम काम करेंगे अगले दो तीन दिन तक इसी पूल के ऊपर, इसको क्रिस्टल क्लियर बनाने में। वो ब्लू वाला वाटर पार्क, आज ब्लू है पानी पानी पानी, वो वाला पूल होना चाहिए हमें, कि वो गाना गाया जा सके। गाइस, अभी दो चार वीडियो पहले आपको मैंने दिखाया था ना कि देखो हमारा ड्राइवे पूरा खाली हो गया है, ये हमारे को मिल गया है, वो जो बिन था वो चला गया है। और उसके बाद ना दो तीन दिन के बाद पामेला हमारे घर पर आई, जो हमारी नेबर है, और वो कहती शिल्पा मैं तो रो पड़ूंगी तुम्हारा ड्राइवे खाली देखकर, बिकॉज जब दो बहन रहते थे तो गाड़ी उनके यहाँ पे पार्क होती थी। तो वो कहती मैं आज तक तुम्हारे घर पर ना ऐसे चल कर नहीं आई कि ना ड्राइवे पूरा खाली हो, ड्राइवे से चल कर आ सके, तो मैं तो रो पड़ूंगी। मैं कहा यार देखो अब बिन चले गए, रेनोवेशन खत्म हो गए, इमेजिन वॉट बिन इज बैक। फिर से घर में काम शुरू हो गया। कल जब ये बिन आया ना तो मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हुई, इतनी शर्म आई। मैंने कहा अम्मे तब तो ना पड़ोसी हमारे को फोन करके पूछने लग जाएंगे कि अब क्या करा रहे हो भाई घर पे, जिस दिन से तुम इस गली में आए हो उस दिन से तुम्हारे ड्राइवे में बिन पड़े हुए, और कंस्ट्रक्शन चले जा रही है जले आ रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब लोग ना हमारे से आके पूछते हैं आस पड़ोस के कि तुम पूरा घर रिप ऑफ करके दोबारा बना रहे हो क्या, तुम लोग पूरा घर रिप ऑफ करके बना रहे हो। पहले ऊपर वाले फ्लोर पर रेनोवेशन चलती रही, उसको 2 महीने लग गए, फिर 2-3 महीने का रिलैक्स मिला, और फिर बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, उसको 3-4 महीने लग गए, और अब फिर से बिन आ गया। और अब क्या चल रहा है आज दिखाती हूँ अभी आपको। तो यहाँ पे काम चल रहा है बेसमेंट की सेपरेट एंट्रेंस के आसपास का कंक्रीट वर्क होने का, बताया था ना कि कंक्रीट वर्क पेंडिंग है, तो आज शुरू हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज यार शिल्पा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और एमी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, दोनों आज घर पे ही हैं। मैं अभी ऑफिस पहुंचा हूं, पर सच बताऊं मुझे भी लग रहा है कि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। आई जस्ट होप कि आज का दिन आराम से निकल जाए, आज मुझे बहुत सारा काम है और मैं चाहता नहीं कि मुझे बीच में से निकल के जाना पड़े। चलो आपसे मिलता हूं थोड़ी देर में। ये घर की एंट्री पे जो ये बनी हुई थी, फ्लावर बेड बनी हुई थी, इसमें कितने बड़े बड़े पौधे आ गए हैं, मतलब आपको मैंने दिखाया था जब ये आने शुरू हुए थे, बट ये एवरी सिंगल डे बढ़ते जा रहे हैं। और ये वाला देखो कितना बड़ा हो चुका है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना लश ग्रीन लग रहा है। और एक ये प्लांट है जो मेरे घर में ना कम से कम 6-7 है, पीछे बैक एंड में बहुत सारा लगा हुआ है और यहाँ पर भी है। इसमें इस तरह की बर्ड्स आ रही है, पता नहीं फूल निकलेगा कि क्या निकलेगा, किसी को पता है कि इसमें कैसे फूल निकलेंगे तो प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि ऐसे प्लांट्स बहुत हैं। ये भी है देखो, और एक यहाँ पर दिखाती हूँ इस वाले बेड पर, ये बिल्कुल एंट्री पर हमारे घर का पहला ही प्लांट ये है, यही सेम बर्ड्स हैं। और पीछे भी ऐसे 3-4 प्लांट्स हैं यहाँ पे। ये जो एक प्लांट था, मुझे किसी ने बोला था कि इसको ना बाहर मिट्टी में गाड़ दो तो ये अच्छा लगेगा, तो ये जो शाहरुख मुझे देख रही थी, इसको मैंने बाहर लगा तो दिया है, बट अभी तक इसमें फूल कोई आया नहीं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है जो फूल है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत काम किया है ये जो लॉन्ग वीकेंड था, इस पर इसे काम किया है। एक तो ना ये पूरी की पूरी फ्लावर बेड जो है साफ करी, आपको दिख रहा होगा कितनी क्लीन हो चुकी है। इसमें सारे जो डेड लीव्स थे, प्लांट्स थे, वो मैंने निकाले हैं, बहुत वाटर किया है। इन खाली जगहों पे ना फूलों वाले सीड्स डाले हैं मैंने, तो अब देखते हैं कि कुछ आता है इनमें कि नहीं आता, बट बहुत सारे सीड्स डाले हैं इनमें मैंने। और प्रूनिंग करी है, तो ये सारा कुछ किया है। यहाँ पे वीड्स निकाली है, सबसे बड़ी बात तो भाई वीड्स निकाली है, सेम इसी बेड पे किया है, बहुत सारी वीड्स निकाली है, प्रूनिंग करी है, क्लीन अप किया है। और इस वाली बेड पर, यहाँ पर तो इस वाली बेड पे ना
इतने सारे वीट्स थे भाई साहब, कांटो वाले बड़े बड़े पौधे थे, और ये सारी साफ करके मैंने निकाली है इस वीकेंड पे। तो वीट्स निकलने के बाद, डेड प्लांट्स, डेड लीव्स निकलने के बाद, इट्स लुकिंग वे मोर ब्यूटीफुल। अब बस घास साफ करनी बाकी रह गई है। सैटरडे का दिन और मंडे का दिन, लॉन्ग वीकेंड में से दो दिन मैंने सुबह से लेकर शाम तक गार्डन में ही काम किया है, फ्रंट यार्ड में काम किया है, बैक यार्ड में काम किया है। बैक यार्ड की मेहनत दिखाती हूँ आपको। अमित ने पूल किया है बट मैंने वीड साफ करी है बहुत ज्यादा। बैक यार्ड में भी इतनी वीड थी, और जो वो डेड प्लांट्स हो चुके थे, डेड लीव हो चुकी थी। फॉल में तो हमें टाइम मिला नहीं, हम लोग रेनोवेशन में बिजी थे तो वो कुछ साफ किया नहीं। चार बैग भर दिए मैंने, चार बैग जो ब्राउन वाले होते हैं सिर्फ वीड्स के और प्लांट्स के, से साफ कर करके। बट वो भी अब काफी बेटर लग रहा है। गाइस देखो हाउ क्यूट दिस गिनी पिग्स आर। एमी को लग रहा है कि ये एमी से बहुत लव करने लग गए हैं अभी से। और ये देखो ये वाला पेट देखो। अगर किसी ने अपने घर में गिनी पिग्स रखने हैं तो दे आर ओनली $4.49. ये क्या है भाई? शॉर्ट हेयर्ड सीरियन हैमस्टर। हैमस्टर्स भी लोग पालते हैं? ओ माय गॉड, इनको कौन पालता है भाई? नो दीव देखना एमी क्या कर रहा है। देखो इस पे हैमस्टर, वो है हैमस्टर, वो देखो वहां पे हैमस्टर सोई हुई है। हैमस्टर बहुत सस्ते हैं भाई, दीव आर ओनली फॉर $18। वो ये तो पूरा चूहा लग रहा है, वो जो इंडिया में घर में चूहे नहीं घूमते। बाय गॉड मेरी इतनी बुरी मेमोरी। ये देखो ये आपको हाई कर रहा है। दिस इज फॉर $20 गर्बल। ओके वो देखो ये नहीं हैमस्टर भाई। Nice. Hi, hamster. यार ये थोड़े साफ सुथरे वर्जन ऑफ चूहे हैं हैमस्टर। तो बहुत सारे गिनी पिग्स की पार्टी आ गई है भाई। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. अभी तो गिनी पिग्स ले ले। You love them? सोए हुए आलसी गिनी पिग्स भी बाहर आ गए हैं। ये ना रैबिट की तरह चलते हैं। इसके अंदर भी बैठे हुए हैं। ये देखो। और गाइस ये वो जगह आ गई है जो हम एक्चुअली लेने आए हैं। हमने एमी को प्रॉमिस किया था कि मैमी को बर्ड्स ले देंगे भाई। डॉग तो हमारे बस की बात नहीं है, बट शी रियली वांट्स पेट। फैंसी पैराकूट, तेरे को नाम भी पता है? फैंसी पैराकूट, पैराकीट है बेटा, पैराकूट नहीं है। तो ये फैंसी पैराकीट, ये $40 का एक है। ये है भाई फैंसी पैराकीट, ये $40 का एक बर्ड है, और आपको इनको पेयर में ही लेना पड़ेगा। ये देखो ये ग्रीन पैराकीट्स है, और यहाँ पे था ज़ेब्रा फिंच जो कि अब नहीं है, बिकॉज बिग गए इनके। आई हैव गॉन टू अ लविंग होम। तो वो तो चले गए हैं भाई। अब हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ ये रेयर पैराकीट है और ये ग्रीन पैराकीट है। गाइस ये एक बर्ड है भाई साहब, वो पैराकीट $40 की है ना। सोचो ये बर्ड कितने का। ये पैरट की तरह दिख रहा है और बहुत ही करतब दिखा रहा है भाई। ये देखो, एंड ही फॉर $800। क्या नाम है इसका? कनूर हैंड फीड। बहुत महंगा बर्ड है भाई ये, $800 का। यहाँ ब्लू पैराकीट्स थे जो हमारी फर्स्ट चॉइस थी, बट वो भी चले गए हैं। दे हैव ऑल्सो गोन टू अ लविंग होम। बढ़िया, यहाँ पे खड़े होकर ना घंटों तक आप इस पैरट के, मतलब जो भी इस बर्ड का नाम है, आप इसके फीड्स देख सकते हो। और अगर घर में एक्वेरियम बनाना है तो ये दुनिया जहान की फिशेस की वैरायटी है। ये एक फिश 45 सेंट्स की है, बिकॉज ये तो आप एक दो लेकर जाओगे नहीं, बहुत सारी लेकर जाओगे। ये देखो कितनी छोटी छोटी फिशेज हैं। ये $10 की है, एक फिश $10 की। और ये देखो ये वाली फिशेज है, अलग अलग रेट की है, कोई $11 की है, कोई $13 की है। ये रेट लिखे हुए हैं सारे फिशेज के। ये देखो ये इसी ये वाली जो फिश है ना, इसके थोड़े बड़े वाले वर्जन हैं। तो ये 45 सेंट से 90 सेंट का रेट हो गया। एमा व्हाई डोंट यू बाय एक्वेरियम? एक्वेरियम को ये फिशेज को पेट नहीं कर पाएगी, ये एक बात है। ये देखो गाइस थोड़ी बड़ी बड़ी फिशेज आ गई है, तो ये $25, $35 इतने की है। यार ये देखो नियॉन कलर्ड फिश कितनी ब्यूटीफुल लग रही है।
ये गोल्ड फिश है गाइस, ये देखो ये पैरट को खाना खिला रहे हैं हम। तो ये गेट बना रखा है इन्होंने, इस गेट से अंदर जाते हैं ताकि बर्ड बाहर ना आ जाए, तो इस गेट को हमेशा बंद रखते हैं और फिर बर्ड को फीड कराते हैं। बर्ड वहाँ पे फीड करने चला गया है। गाइस यहाँ पे सिर्फ बर्ड्स और रोडेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, कैट्स भी मिल रही हैं। ये देखो, आई एम अ लिटिल शाय बट लव माय पेट्स एंड कटल्स, आई नीड टू बी एन ओनली कैट। ओके, तो ये कैट जो है शायद अडॉप्शन के लिए है यहाँ पे। नहीं बाबू, हम कैट को नहीं संभाल पाएंगे। देखो मियाँ, ये देखो, ये अडॉप्शंस का सेंटर है, तो मेरे ख्याल से जो डॉग्स आते होंगे, कैट्स आती होंगी, उनको यहाँ पे रखते होंगे अडॉप्शन के लिए। ये क्या है एमी, तू कैट हो गई है एमी। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आए हुए आज पेट स्मार्ट पे। यहाँ पे मैं पहला व्लॉग बना रही हूँ अपना। आज तक मैंने आपको पेट स्मार्ट कभी नहीं दिखाया कनाडा का। तो पेट स्मार्ट यहाँ का वो स्टोर है जहाँ पे हर तरह के पेट का सामान मिलता है, उनकी बेडिंग से लेकर, कपड़ों से लेकर, फूड से लेकर, हाइजीन से लेकर, उनकी उनकी केयर से रिलेटेड जो सामान होता है सब मिलता है। और पेट्स तो मिलते ही, अब आपने बर्ड्स देखे हैं, हैमस्टर देखा है, कैट भी देख ली है। मुझे लगा डॉग्स यहाँ नहीं होते होंगे अनलेस कोई अडॉप्शन के लिए आया हुआ है। ये यहाँ पर ना ग्रूमिंग, सेल्फ डॉग वॉश और डॉग्स की ट्रेनिंग का पूरा सेंटर बनाया हुआ है। यहाँ पे लोग अपने डॉग्स लेकर आते हैं और यहाँ पे एक चल भी रहा है, एक वॉश चल रहा है डॉग का। तो ये सेल्फ डॉग वॉश सर्विस है पेट स्मार्ट पे। ये देखो जी, ये डॉग का पूरा ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ सारे डॉग्स को बेंचेस पे बैठा कर ट्रेन किया जाता है। और यहाँ पे ये फैमिली वेट कर रही है कि जो फैमिली वहाँ अपने डॉग को वॉश कर रही है वो बाहर निकलेगी, तो ये लोग अपने डॉग को लेकर जाएंगे। आई एम फीलिंग बैड फॉर दिस कैटी यार, पूरे सेंटर में ये अकेली कैटी है जो अडॉप्शन के लिए आई हुई है, इसके साथ इसकी कोई फ्रेंड भी नहीं है, और उन्होंने उसको इसमें बिठा दिया है और वो गेट भी बंद कर दिया है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये जगह जगह जाके प्ले कर सकती है, कुछ कर सकती है, इसको दिखाना ही पड़ेगा अपने आप को कि भाई मुझे कोई देखेगा तभी अडॉप्ट करेगा ना। सो फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू बाय टू पैराकीट, वन दिस रेयर पैराकीट एंड वन दिस ग्रीन पैराकीट। तो अभी कोई यहाँ पर आएगा और हमें पूरा प्लान समझाएगा कि भाई क्या क्या करना है, कैसे कैसे इसकी केयर करनी है, क्या लेकर जाना है। आज ही पैराकीट्स लेकर जा सकते हैं या पहले इनका होम लेकर जाना है। सो वी आर वेटिंग फॉर समवन टू कम हियर। तो गाइस आज हमारी लाइफ की पहली विजिट थी पेट स्मार्ट में और हमने वो दो पैराकीट्स ऑलमोस्ट बाय कर ही लिए थे। जब वो लेडी आई ना और उसने हमें इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू की, तो उसने बोला कि आप ऐसे आज पैराकीट्स नहीं लेकर जा सकते हो, पहले आप इनका केज लो, दो पैराकीट्स के बराबर का केज होना चाहिए, उनका फूड लेकर जाओ, ट्रीट्स लेकर जाओ, उनकी टॉयज लेकर जाओ, घर में उनकी जगह बनाओ, उनका होम सेट करो, फिर आप पैराकीट्स लेकर जाना। और फिर उसने इंस्ट्रक्शंस देने शुरू किए कि हमेशा इनको फूड देकर रखना है, फीड्स इनके उसमें केज में हमेशा होने चाहिए, अगर इनको आधा दिन भी खाना ना मिले दे माइट डाई, यू हैव टू टेक केयर कि वो बाहर फ्लाई ना कर जाए, तो बैक यार्ड का गेट, फ्रंट यार्ड का गेट हमेशा, फ्रंट गेट जो है वो हमेशा बंद रखना, कोई घर में तेज शोर नहीं होना चाहिए बिकॉज दे माइट गेट स्केयर्ड, किचन में ना आ पाए क्योंकि किचन की गर्मी से देखें डाए। तो वो इतनी बारूस बत्ती ने देखे डाए देखे डाए देखे डाए रिपीट किया ना कि एमी डर गई। तो मैंने एमी को बोला, एमा विल यू बी एबल टू टेक केयर ऑफ द पेट्स, बिकॉज भाई साहब सही में जब दो मासूम जानवरों की, पक्षियों की जान आपके ऊपर होती है ना, आपकी केयरलेसनेस की वजह से दे माइट लूज देयर लाइफ, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने लग जाते हो और गिल्ट में भी आ जाते हो, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देम। ये चीज अमित और मुझे तो शुरू से ही पता थी, इसलिए हमने एवी को आज तक डॉग नहीं लेकर दिया। लेकिन जब एवी को पता चला ना कि कितना काम करना पड़ता है पेट के लिए, तो वो भी डाउट में आ गई। अब उसको डाउट में देखकर मैंने उसको इमीडिएटली एक ऑप्शन दे दिया, एवी डू यू वॉन्ट टू बर्ड्स और अ बैकयार्ड स्विंग, क्योंकि उसको बैकयार्ड स्विंग भी चाहिए था। यह हमें पता, ये हमारे ब्रैम्पटन वाले घर में था और उसके बाद बोल्टन वाले घर में नहीं था, तो वहां पर भी वो मांगती रही, लेकिन वहां पर हमारे पास बैकयार्ड नहीं था तो हमने लेकर नहीं दिया, बट यहाँ पर बैकयार्ड है। तो मैंने बोला वी कैन बाय अ बैकयार्ड स्विंग एंड यू कैन हैव फन, तो वो कहती है ओके ओके, दिस टाइम बैकयार्ड स्विंग, नेक्स्ट टाइम वी कैन थिंक फॉर पेट्स। तो भाई साहब जान छूटी कि अभी उसको बैकयार्ड स्विंग लेकर दे देंगे, अगले साल देखेंगे पेट्स का। फिर मैंने सारे फ्लावर वाले जो हमारे प्लांट्स थे उनमें कल ये फर्टिलाइजर भी डाला है, और एक ये मिट्टी का बैग खोल के ना जो मेरे पास मिंट पड़ी थी वो इसके अंदर मैंने लगाई है। देखो अगर मिंट आए तो, वैसे सारे लोग बोलते हैं मिंट इतनी जल्दी आती है, इतनी फास्ट आती है और इतनी ग्रो करती है, मेरे घर में मिंट कभी ग्रो नहीं करी, तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी अगर यहाँ ग्रो होती है तो। और ये पूल की हालत देख लो,
अभी भी बहुत अच्छे साफ हुआ नहीं है, दो दिखने लगे हैं फ्लोर, वैक्यूम करना बाकी रह गया है। सो कल अमित ने ये सारे के सारे पत्ते उठा दिए थे, एक पत्ता भी नहीं था, मगर आज सुबह इसमें फिर से पत्ते आ गए हैं यार। तो ये तो मुझे लगता है कि रोज़ जैसे घर में रोज़ झाड़ू मारनी पड़ती है ना, पूल में रोज़ ही झाड़ू मारनी पड़ेगी क्योंकि पत्ते तो गिरते रहेंगे। कितने सारे पत्ते आ गए और कल एक भी नहीं था, इमेजिन। सो इट वॉज अ गुड प्रोडक्टिव डे। अपना टाइम फिनिश करके जा रहा हूँ, 8 बज गए हैं, अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से घर के लिए। थोड़ा सा इशू होने वाला है घर जाकर शिल्पा के साथ, क्योंकि मैं 9 बजे के बाद पहुंचूंगा, और जब भी मैं 9 बजे के बाद पहुंचता हूँ ना, उसको बहुत गुस्सा आता है, खाना भी नहीं देती कई बार। तो मुझे 9 बजे से पहले घर पहुंच गया मैं, तो खाना मिल जाएगा भाई। चलो जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं है कि मुझे खाना नहीं मिलता अगर मैं लेट हो जाऊँ तो, बट हाँ शिल्पा को गुस्सा ज़रूर आता है। हाँ ऑफकोर्स यार, वाइफ को गुस्सा तो आता ही है कि अगर हस्बैंड इतना लेट लेट घर आए तो। देखा कि गैस वाली गैस का कुछ तो फायदा उठाया जाए, ये वाले भुट्टे किए जाए जैसे इंडिया में बनाते हैं ना गैस के ऊपर, अच्छे से बना, आग के ऊपर, गैस की आग इज द राइट वर्ड, आग के ऊपर भुट्टे बनाए जाए, फिर काला नमक और नींबू लगा के अच्छे से घिस घिस के। हाँ एमी को भी बड़ा अच्छा लगता है जब नींबू घिसते हैं उसके ऊपर। एक फुल नींबू मेरे भुट्टे में लगाना है, इतना सारा ऐसे चिंगारियां उड़ रही है ना जैसे भट्टी पे अंगीठी पे तपते हुए होती है, इसे आवाज़ आती है पटक पटक, ये देखो पटाखों वाली आवाज़। ये क्या हो रहा है यार, कुकर खराब हो गया और सीटियाँ मारनी बंद कर दी है। मतलब बड़ा अच्छा लगता था तो कुकर तुम्हारे सीटियाँ मारता था। हाँ अच्छा तो लगता था जब कुकर सीटियाँ मार रहा था, लेकिन अब वही बात है ना, अब सीटियाँ मारे कुकर ही बंद कर दी है, क्योंकि जिम जाओ भी बहुत मोटे होते जा रहे हो, तो अब मैं इंस्टा पॉट निकाल रही हूँ। प्रॉब्लम ये है मेरा इंस्टा पॉट कितना बड़ा है, मैंने ये लिया था सत्संग के लिए, क्योंकि सत्संग में जब खाना बहुत सारा बनता है ना, लंगर प्रसाद बनता है, तो बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती है कुक करने के लिए। अब मैंने एक कटोरी दाल बनानी है, जो मतलब पानी वानी डलकर 4-5 कटोरी हो जाएगी, उसके लिए मुझे ये इतना बड़ा इंस्टा पॉट लेना पड़ रहा है। अब कुकर खराब हो गया यहाँ पर तो ठीक होगा नहीं, इंडिया जाकर कुकर ठीक होते हैं या कोई कुकर ठीक नहीं करता। अब मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुकर लाने की बजाय छोटे वाला इंस्टा पॉट ले आऊँगी, जो मम्मा की शादी हो रही थी ना, तो मेरी नानी मम्मा के गले लग के रोते, वो पता क्या कहते, अब मेरे कुकर कौन धोएगा, क्योंकि मेरी मम्मा कुकर धोने में एक्सपर्ट थे, कुकर धोना ना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो मेरी मम्मा बताते कि नानी ना सारे बर्तन धोते थे और कुकर सिर्फ मम्मी के लिए छोड़ देते, कुकर तू धो लियो। तो जब मम्मा की विदाई हुई तो नानी का मम्मी की विदाई से बड़ा दुख था कि अब कुकर नानी को धोने पड़ेंगे, और मेरा भी कुकर खराब होने से बड़ा दुख है कि काम भी नहीं आया और कुकर धोना पड़ेगा। और ये जो मेहनत है इसको बंद करने की, पता है इस कुकर का एक और फायदा भी होगा, चलो सीटी नहीं मारेगा, दैट्स अ गुड थिंग। एक और अच्छी बात इसका ये है, तुम इसी से ही लड़ लिया करो, मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं अब तुम्हें। गाइस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है तो, ये तो मेरा हमेशा का डायलॉग होगा, क्योंकि आप अभी भी लाइक कर रही हो, मेरी लाइक परसेंटेज अभी भी वो नहीं है जो मुझे चाहिए, प्लीज। ओके बर्थडे शाउटआउट्स, तो 23 मई को बर्थडे था ज़ाहिरा का, और 24 में मतलब आज बर्थडे है मोहम्मद अरमान का। आप दोनों बर्थडे बॉय एंड बर्थडे गर्ल को विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा मुझे स्पेशल शाउटआउट देना है हमारे 5 साल के सब्सक्राइबर साद को, जो रोज रात को सोने से पहले मेरी मम्मा से पूछता है कि शिल्पा आंटी की वीडियो अभी आई है कि नहीं आई है, दैट्स सो क्यूट, थैंक यू सो मच साद। चलिए गाइस मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।